الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالذي. كيف هلا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आज हम इन जन्नत के बारे में पढ़ेंगे कि जन्नत क्या है उसके कौन से मुख्तफ़ नाम हैं उसका हुसन कैसा है उसमें जाने वालों की तादाद कितनी है अहल जन्नत की सिफात क्या हैं उनके चेहरे कैसे होंगे उनके दीगर औसाफ़ क्या होंगे जन्नत के दरवाज़े कैसे होंगे उनमें जाने वालों के अमाल कैसे होंगे जन्नत के दर्जात फिरदौस, फिर इसी तरह अहले जन्नत का लिबास जेवर बर्तन खाना पीना उनके तकिए बिछाने बिस्तर पलंग मसंदें बीवियाँ खादिम, उनकी गुफ्तगु, उनके ख़्वाहिशात फिर जन्नत के बाजार फिर जन्नत के सरदार फिर जन्नती औरतें اور اسی طرح دیگر ٹاپکس بھی ہوں گے اس میں. تو جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظِ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد جنة متكين کا جنة متقين سے کچھ بھی دور نہ सूरत क़ाफ में ताला फरमाते हैं और जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब कर दी जाएगी जो कुछ दूर न होगी यह है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला खूब हिफाजत करने वाला हो जो रहमान से बगैर देखे डर गया और रुजू करने वाला दिल लेकर आया इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ यही हमेशा रहने का दिन है वहां उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उसमें होगा और हमारे पास मजीद भी है यानी उनकी चाहत से ज्यादा भी है जन्नत का लफ्स अरबी जबान में जीम नून नून से है जन्ना का मतलब होता है छुपाना जिनों को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो निगाहों से छुपे हुए हैं ओजल हैं जनीन जो माँ के पेट में होता है वो भी छुपा हुआ होता है जुनून लैल कहते हैं शदीद तारीकी को जो चीज़ रात में होती है तारीकी उसको ठाप लेती है लेकिन जन्नत को फिर जन्नत क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें ऐसे घने बागात होंगे ऐसे कि वो यानी एक तरह से ठापे हुए होंगे साया किए हुए होंगे लेकिन ये तो इसका लफ्जी माना है हकीकत में वो अल्लाह के मोमिन बंदों का इज्जत वाला घर है उसे अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है और उन जन्नतों में अपने मज्ज चेहरे के दीदार के साथ उनकी तकरीम की है उनकी इज्जत की है जन्नत में हमेशा की और कायम रहने वाली नेमतें हैं जिन्हें किसी आंख ने देखा नहीं किसी कान ने सुना नहीं और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका तसुर पैदा हुआ है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला तालमुन मा उफ़ु मा उखलह मिन कुर्रत आयुन जजा अम बिमा कानू या मलून बस कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए आंखों की ठंडक में से क्या कुछ छुपा कर रखा गया है उस अमल की जजा के लिए जो वो किया करते थे तो जन्नत अल्लाह के मेहमानों के रहने की जगह है सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं

अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है जन्नत रहने की बेहतरीन जगह है सूरत फ़ुरक़ान में अल्लाह फरमाते हैं उस दिन जन्नत वाले ठिकाने के अतबार से नहायत बेहतर और आरामगाह के से कहीं अच्छे होंगे जन्नत मुत्तकीन का घर है बेहतरीन घर सूरत अन्नहल में अल्लाह फरमाते हैं للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخره خير ولنعم دار المتقين ولدار الآخره خير ولدار الآخره بَهِترٍ ولنعم دار المتقين ويقينا دارنا والو आप देख रहे हैं कि हर जगह पर अल्लाह से डरने की बात है अल्लाह के तकवा की बात है क्योंकि ये तकवा ही इंसान के अंदर होता है तो इंसान दुनिया में सीधे रस्ते पे चल सकता है और ये तकवा ही होगा जो इंसान को जन्नतों तक पहुंचाएगा। जन्नत इज्जत का मकाम है जहां अहले जन्नत को इज़्ज़त बख्शी जाएगी सूरत मारज में अल्लाह फरमाते हैं फी यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त दिए जाने वाले हैं यानी जहां नेमतें होंगी खुशियां होंगी सुकून और राहत होगा वहां अल्लाह ताला इज्जत भी बख्शेगा वहां ना लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसी बात करेंगे कि कोई किसी को जलील करे और ना ही अल्लाह तला की तरफ से कोई नाराज़गी होगी कि इंसान अपनी ज़िल्ल्ल्लत महसूस करे दायमी नमतों का घर है सूरत में फरमाया हम हम वजन्नात। उनका रब उन्हें अपनी तरफ से बड़ी रहमत और अजीम रजामंदी और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं यानी जन्नत की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी दुनिया में मौसम बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं ख़ुद इंसान के अंदर जिसमानी तौर पर ज़हनी तौर पर तब्दीलियाँ आती रहती हैं लेकिन वहाँ पर इंसान के पास जो कुछ होगा वो हमेशा के लिए होगा उसमें से किसी भी चीज़ से जुदाई ना होगी سورة النحل میں فرمایا ما عندكم ينفد وما عند الله باق جو کچھ تمہارے پاس صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا और जो अल्लाह के पास है वो बाक़ी रहने वाला है दुनिया में हम जो भी कुछ जमा कर लें कुछ भी इकट्ठा कर लें लॉकर्स में रख लें संभाल संभाल के रखें लेकिन ख़त्म ही हो जाएगा या फिर हम खुद ख़त्म हो जाएंगे अगर कुछ बाकी भी रह गया तो फिर हमारे किसी काम का नहीं लेकिन वहाँ इंसान भी बाकी रहेंगे और उसके साथ नेमतें भी बाकी होंगी और हमेशा हमेशा की खुशियाँ و اصل عیش کا گھر ہے سورة النحل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين हमेषगी के बागात जिन में वो दाखिल होंगे उनके नीचे से नहरें बहती होंगी उनके लिए उनमें जो वो चाहेंगे मौजूद होगा दुनिया में तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो हम चाहें वो हो लेकिन वहाँ ऐसा ही होगा इसी तरह अल्लाह डरने वालों को जजा देता है तकवा वालों को यही जजा देता है फिर तकवा की बात है जन्नत और तकवा लाजम है जन्नत ख्वाहिशात के पूरा होने की जगह है दुनिया में तो इंसान की इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि हर चीज़ इंसान के लिए ऐसी अहम उसे ऐसी अहम मालूम होती है कि वो समझता है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना हुई तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा लेकिन बहुत सी ख़्वाहिशा इंसान की इस दुनिया में पूरी नहीं होती लेकिन वहाँ तमाम ख्वाहिशा पूरी होंगी सूरत फुद में फरमाया نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قمتم هذه الستة دنيا مابي مبي और वहाँ तुम्हारे लिए जो जी चाहेगा तुम्हें मिलेगा और जो कुछ मांगोगे तुम्हारा होगा ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ़ से मेहरबानी होगी मेहमानी होगी जन्नत मज़े में मशगूल रहने की जगह है यानी वहाँ हर दम फ़न हर दम नमतें हरदम एक नई ऐसी चीज़ होगी कि जिससे उनका दिल कभी भी जन्नत से भरेगा नहीं उकताएगा नहीं सूरत यासिन में फरमाया बेशक जन्नत के रहने वाले आज एक शुगल में खुश हैं यानी उनकी मर्जी के काम होंगे उनकी मर्जी की दिलचस्पियाँ होंगी और उसके साथ साथ उस पर वो खुश भी होंगे सूरत अतूर में फरमाया फी बिमा रबुहुं। रबुहुं बेशक मुत्तकी लोग बागों और बड़ी नेमत में हैं लुत्फ उठाने वाले उससे जो उनके रब ने उन्हें दिया और उनके रब ने उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा लिया यानी नेमतें ही नेमतें बागों के अंदर और उसके साथ साथ खुशियां ही खुशियां इन्जॉयमेंट लुत्फ़ उठा रहे होंगे दुनिया में बाजुकात इंसान के पास बहुत सी नेमतें होती हैं लेकिन वो उनसे लुत्फ नहीं उठा सकता कभी बीमारी की वजह से कभी किसी गम की वजह से कभी कभी किसी खौफ की वजह से लेकिन वहां की नेमतों से इंसान लुत्फ अंदोज हो सकेंगे फिर जन्नत बेहतरीन रिस्क पाने की जगह है सूरत तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नतिन और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक नेकअमल करे वो उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं उनमें हमेशा रहने वाले हैं हमेशा बिलाशुबा अल्लाह ने उसके लिए अच्छा रिस्क बनाया है यानी वहाँ मनपसंद का खाना होगा और बेहतरीन से बेहतरीन और वैसे भी जो कुछ इंसान खाएगा वो उसके लिए अजियत का बायस नहीं बनेगा बल्कि सिर्फ़ प्लेजर और इन्जॉयमेंट का ज़रिया होगा जन्नत बंदों से रहमान का वादा है नेक बंदों से मरियम में आता है جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا हमेशगी के बागात में जिनका रहमान ने अपने बंदों से उनके बिन देखे वादा किया है यानी उन्होंने देखा नहीं जन्नत को लेकिन फिर भी अल्लाह सुबहान तआला के वादे पर यकीन है बिला शुबा हकीकत यह है कि उसका वादा हमेशा से पूरा होकर रहने वाला है यानी अल्लाह सुबहान तौ अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता अगर कोई शख्स वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर देता है जो जन्नत में जाने के लिए है तो फिर अल्लाह सुबहान तौर भी अपने वादे को पूरा कर देंगे लेकिन याद रखिए कि जन्नत एक महंगा सौदा भी है रसूल अल्लाह सल्हम ने फ़रमाया जो डर गया वो अव्वल रात चल पड़ा यानी वो अपना सफ़र जल्दी शुरू कर देता है बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता और जो अव्वल रात चल पड़ा वो मंजिल पे पहुँच गया सुन लो बेशक अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है यानी जन्नत सस्ती नहीं है सुन लो बेशक अल्लाह का सौदा जन्नत है तो जो जन्नत लेना चाहता है वो फिर उसकी कीमत भी अदा करे और उसकी कीमत क्या है नेक माल अल्लाह की रज़ा और पसंद के माल बहरहाल दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं उनके मुकाबले में जन्नत हमेशगी की है

والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المصومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب قُل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ اللہ, लोगों के लिए नफसानी ख्वाहिशों की मोहब्बत मुजीन की गई है जो औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान लगाए हुए घोड़े और मवेशी और खेती हैं ये दुनिया की जिंदगी का सामान है और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा ठिकाना है कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बताऊँ यानी दुनिया की किसी भी नेमत का तुम तसवर कर लो और वो सारी की सारी हर किस्म की तुम्हारे कदमों में जमा भी हो जाए फिर भी उससे बेहतर चीज़ भी है जो लोग मुतकी बने जिन्होंने इख्तियार किया जो अल्लाह से डरे उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं उनमें हमेशा रहने वाले हैं और नहाय पाक साफ बीवियाँ और अल्लाह की जानिब से अज़ीम खुशनुदी यानी अल्लाह ताला की रजामंदी मिन अल्लाह वल्लाहु बसर बिल इबाद और अल्लाह बंदों को ख़ूब देखने वाला है वो देख रहा है कि कौन क्या चूज़ करता है कौन दुनिया के पीछे ही भाग रहा है और कौन अपनी आखिरत की भी फिक्र करता है और उस जन्नत का शौक रखता है क्योंकि इंसान जिस चीज़ को प्रेशियस समझता है जिस चीज़ से मोहब्बत करता है जिस चीज़ का शौक़ रखता है फिर उसी के लिए मेहनत और कोशिश भी करता है तो हम सबको देखना चाहिए कि दुनिया के मुकाबले में अपने उस घर की तैयारी के लिए हम क्या कर रहे हैं जन्नत के मुख्तलिफ नाम भी हैं पहला नाम तो जन्नत है ये अमूमी नाम है यानी जनरल नेम है जो हर किस्म की जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है और जैसे कि पहले अर्ज किया कि जन्नत का लफ्ज़ी माना है छपाना यानी जन्न का लफ्स पर्दा डालना और ढाँप देना बाघ को जन्नत कहते हैं क्योंकि बाघ अपने अंदर मौजूद दरख्तों को छुपा लेता है और फिर इस ऐसी जगह के लिए जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ़ अकसाम के हों और किसी भी बाघ का हुसन जो है ये किसी भी मकाम का ये किसी भी एरिया का वह उसके दरख्त होते हैं इन दरख्तों की वजह से हाईवे भी बड़ी ख़ूबसूरत हो जाती है नहरें और दरिया भी बहुत ख़ूबसूरत हो जाते हैं जिन एरियाज़ में लोग रहते हैं अगर उन एरियाज़ में दरख्त हों तो वो एरियाज़ भी ज़्यादा ख़ूबसूरत होते हैं तो दरख्त जो है वो ज़मीन का भी हुसन है और दरख्त जो है वो जन्नत का भी हुसन है और दरख्तों ही की कसरत की वजह से जन्नत को जन्नत नाम दिया गया है दूसरा नाम है दार सलामती का घर सूरत नाम में आता है लहमदारार्सलामी इंद रबिम उनके लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है अल्लाह ताला फरमाते हैं वह दार्सलम अल्लाह सलामती के घर की तरफ दावत देता है बुलाता है क्योंकि दुनिया में कहीं भी इंसान को अमन नहीं है चैन नहीं है सुकून नहीं है इंसान कहीं भी चला जाए वहाँ के अपने ही ख़तरात हैं तो जन्नत ऐसी जगह है कि जहाँ किसी किस्म का कोई खौफ और कोई बदमनी नहीं अमन ही अमन है अल्लाह सुबहान का अपना नाम अस्सलाम है तो अल्लाह ने जन्नत को भी सलाम कहा और जन्नत के रहने वाले भी आपस में एक दूसरे को सलाम का तोहफा देंगे अल्लाह ताला और फरिश्तों का सलाम भी आएगा जन्नत वालों पर उस घर में जितनी भी गुफ्तु होगी वो सलामती की होगी कोई किसी की हिबत चुगली कोई किसी के साथ बदतमीजी बदअखलाकी बत नहीं बरतेगा कोई लग बात नहीं सुनेगा और बन, नेक बंदे को दुनिया से आने के बाद सलामती की खुशखबरी मिल जाती है यानी जन्नत की खुशखबरी उसको मिल जाती है अल्लाह सुबहान तूरतल वाक़ में फरमाते हैं वह अम्मा इनकान बबिन असहाबिलियमीन फ सलामिल अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा तुझ पर सलाम हो के तू दाएं हाथ वालों में से है इब्न कैम ने अपनी किताब हादिल दिल अरवा एक होता हादी दो चश्मीए के साथ और ये हा हलवे वाली हादिल अरवाह में इस बात को साबित किया है कि इसका मतलब है कि ए दुनिया से कूच करने वाले यानि फौत होने वाले तुम पर सलामती हो जो दुनिया से और दुनिया की तकलीफ़ों और जहन्नम और उसके अजाब से सलामती में आ गए, यानी जो बंदा अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए नेक हो उसकी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो मौत के वक्त ही उसको पता चल जाता है कि अब उसका अंजाम क्या है वो कहाँ जाने वाला है अगर उसको सलाम कर दिया गया फरिश्तों का सलाम उसको मिल गया तो बस उसकी निजात हो गई अमन में आ गया तो दुनिया से रुखसत होते वक्त उसको सलामती की खुशखबरी दी जाती है और फिर फरिश्ता उसकी रूह निकालता है और उसको कहता है कि तुम्हें रौहन व रईहान उनकी खुशखबरी हो और ऐसे रब के साथ जो ग़ुस्से में नहीं और जो कुछ आख़रत में है उनमें से ये मोमिनों के लिए पहली बशारत होती है यानी सबसे पहली खुशखबरी मौत के वक्त मिलती है और ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो अल्लाह की इताद के मुताबिक तकवा वाली जिंदगी बसर करते हैं तीसरा नाम जन्नत का दारुल खुल्द है, हमेशगी का घर हमेशा हमेशा रहने के लिए क्योंकि जन्नत से कोई सफर करके कूच करके हिजरत करके ना खुद निकलेगा और ना कोई उसको निकाल सकेगा वहां से खलूद कहते हैं हमेशगी को तो जो जन्नत में एक दफा चला गया फिर वो वहाँ से नहीं निकाला जाएगा जहन्नम में जाने वाले तो सजा भुगतने के बाद निकाल लिए जाएंगे लेकिन जन्नत से कोई नहीं निकाला जाएगा चौथा नाम है इसका दारुल मुकामा हमेशा रहने का घर क़ुरान मजीद में ये नाम आया है सूरत फातिर में आता है वक़ाल लदी अजहबा अन हसन इन्नाबनाल लगफूर शकूर अलवी अहलना दार्काम ला यमसुना फ़ी हा नला युना फ़ीहा लगूब और वो कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमसे गम दूर कर दिया मोमिन का सबसे बड़ा गम और हम क्या होता है कि मेरा क्या बनेगा आखिरत कैसी होगी मौत कैसे आएगी कब्र कैसी होगी हशर में क्या होगा तो जब लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमसे हम और गम दूर कर दे क्योंकि पुल रात पर से भी गुजरते हुए खौफ आएगा कि कहीं गिर ना पड़े इसमें कहीं ऐसा ना हो के हजरत उमर तो कहा करते थे ना कि मेरा अगर एक कदम जन्नत के अंदर और अभी एक बाहर बाहर है तो मुझे फिर भी डर होगा जब तक मैं पूरा अंदर ना चला जाऊं तो मोमिन का हम और गम उसी वक्त दूर होगा जब वो जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा बेशक हमारा रब यकीन बेहद बख्शने वाला नहाय का दरदान है जिसने हमें अपने फ़ज़ल से हमेशा रहने के घर में ला उतारा दारुलमकाम हमें इसमें कोई तकलीफ़ पहुँचती है और न हमें इसमें कोई थकावट पहुँचती है किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दुनिया में आप देखें कोई इंसान आपको ना भी तकलीफ़ दे तो बाज आप ख़ुद ही स्लिप हो जाते हैं कहीं से कहीं किसी चीज़ से ठोकर लग जाती पलंग से ठोकर लग जाती है दरवाज़े से लग जाती है कहीं सर पे कोई चोट लग जाती है यानी इंसान को पता ही नहीं चलता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कभी सर्दी ज़्यादा हो, हो जाती है कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है कभी नींद नहीं आती कभी ज़्यादा नींद आ रही होती है कभी भूख नहीं लगती कभी बहुत भूख लग रही होती है यानी इंसान को खुद अपनी भी समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है यानी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में भी नहीं होती लेकिन वहाँ पर ना कोई तकलीफ़ ना कोई थकावट यानी दुनिया में तो अगर आप आराम भी ज़्यादा करें फिर भी थकावट शुरू हो जाती ज़्यादा सो जाए तब भी थकावट हो जाती काम कर लें फिर थकावट हो जाती खा पी लें ज़्यादा तो फिर भी थकावट हो जाती क्योंकि अब आपको आराम चाहिए यानी कुछ भी आप कर लें अच्छा करें नहीं करें लेकिन आप इससे निकल नहीं सकते मगर और आप सारा दिन काम करने के बाद आपके लिए लाजिम हो जाता कि आप सोएं लेकिन जन्नत में नींद नहीं होगी जन्नत में कोई भी नहीं सोएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नियमतों को एंजॉय कर सके लेकिन जिन लोगों की एंजॉयमेंट नींद है पता नहीं वो क्या करेंगे <laughs> तो बहरहाल वहाँ ना कोई थकावट होगी और ना कोई तकलीफ़ होगी मुकातिल कहते हैं कि हमें अल्लाह ने दारूद में उतार दिया और वो उसमें हमेशा रहेंगे ना उनको मौत आएगी ना वो नक़ल मकानी करेंगे पांचवा नाम है जन्नतुल मावा ये अवा या अवी से है इसका मतलब होता है कि वो जगह तक पहुंच गया क़ुरान मजीद में, में आता है सूरत नजम में इन मुंतहा इन दहा मावा आखिरी हद की बेरी के पास उसी के पास हमेशा रहने की जन्नत है लेकिन मावा जो है वो ख़ास बंदों की रिहाइश गया है अतायबन अब्बास से रिवायत करते हैं ये वो जन्नत है जहाँ सलाम और फरिश्ते जगह पकड़ते हैं मुकातिल कहते हैं ये वो जन्नत है जिसमें शहदा की रूहें जगह पकड़ती हैं छठा है जन्नत अदन जन्नत अदन क़ुरान मजीद में अदन लफ्ज़ जो है ये किसी खास जन्नत के बारे में नहीं आया हर जन्नत को जन्नात अदन कहा गया है और जन्नत की बनावट के बारे में आता है उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की तो यहाँ जन्नत अदन को खास नहीं किया गया बल्कि अमूमी तौर पर जन्नत की बनावट का जिक्र है तमाम जन्नतों को जन्नात अदन कहा जाता है और तमाम जन्नतें जन्नत अदन है और एक कॉल ये है कि ये जन्नत के मजमू नामों में से एक नाम है जैसे जन्नत है ऐसे जन्नत अदन है मुहिक कहते हैं सही बात यह है कि ये तमाम जन्नतों का नाम है चनाचे तमाम जन्नतों को जन्नात अदन कहते हैं सूरत मरियम में आता है जन्नत अदन नदर रहमान इबाद उ बिल गईब हमेशगी के बागात हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से बिन देखे वादा किया है सूरत फातर में आता है जन्ना तो अदन अदलू नहा यु नफी हा मिन असा बिर बिन वलु उलुआ व लिबास हम फी हरीर हमेशगी के बाग़ा जिन में वो दाखिल होंगे उनमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास उसमें रेशम होगा एक और जगह पर आता है सूरज सफ़ में व मसा के नयीबिन फी जन्ना त्यादन और रहने की पाकिजा जगहों में जो हमेशा रहने के बागों में है और अदन का लफ्ज़ी माना होता है क्याम करना किसी जगह पर मुकीम हो जाना अदन तुल बलादा का माना होता है कि मैंने फलास शहर को अपना वतन बना लिया जैसे आप लोगों ने कनाडा को अपना वतन बना लिया जौहरी कहते हैं कि जन इससे मुराद वो जन्नत जहां बसेरा किया जाएगा तो जन्नत अदन अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई है मुजाहिद से मरवी है कि अब्दुल्ला अबिन उमर ने कहा अल्लाह ने चार चीज़ों को अपने हाथ से पैदा किया अर्श कलम आदम और जन्नत अदन फिर तमाम मखलूक़ात से कहा कि हो जा तो वो हो गई तो इससे ये पता चलता है कि अर्श की भी एक वैल्यू है अल्लाह ताला अर्श की तरफ अपने आप को नस्बत देते हैं अर्श लजीम कलम कलम की इज्ज़त करनी चाहिए इसलिए जो थे वो कलम को नीचे नहीं गिरने देते थे जैसे कागज़ को वो कहते थे कि ये कलम की इज़्ज़त और मकाम के ख़िलाफ़ है हमारे यहाँ तो कागज़ की इज़्ज़त है उस अखबारों के ऊपर पाँव रख देते हैं उनको गाड़ी में रख देते हैं जब स्नो वग़ैरह पड़ती है तो पाँव गीले अंदर जाते हैं गाड़ी में तो अखबारें रखी हुई होती है कि इसके ऊपर पाँव रख लें भाई ये कैसे ये इल्म की इतनी जिल्लत चाहे कोई भी इल्म हो लिखा हुआ तो मुसलमानों के मुसलमानों का जो दीन है हमारा ये हमें अदब सिखाता है अल्लाह के साथ अदब रसूल के साथ अदब तमाम अम्बिया का अदब सहाबा का अदब तमाम मोमिनों का अदब उलमा का अदब वालदेन का अदब बुजुर्गों का अदब उस्तादों का अदब किताबों का अदब कलम का अदब नेक्स्ट टाइम जब कोई पेन या पेंसिल नीचे गिरे हुए देखें तो उसको उठा लें फिर आदम यानी इंसान को अल्लाह ने इज्जत बख्शी कुरान मजीद में, में आता है ना वलक़द करम न वलकद बनी आदम हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी यानी आदम सलाम को इज़्ज़त बख्शी और फिर उनके उनकी औलाद को भी इज्जत बख्शी तो इंसान इसी और जन्नत इंसानों के लिए बनाई है अल्लाह ने लेकिन इंसानों में से सिलेक्शन होगी कि कौन मुत्की थे कौन परहेजगार थे कौन वहां रहने के काबिल है क्योंकि हर एक के लिए वो जगह नहीं है और फिर जन्नत अदन तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को एजाज बख्शता है इन चीज़ों को उसने अपने हाथ से बनाया इसके बताने का मकसद क्या है कि ये तमाम मखलूक़ात में से ख़ास ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह की तसूस तवज्जो हासिल हुई है सातवां नाम हैवान है दारयावान व वा दारखरतयावान बेशक आखिरी घर यकीन वही असल ज़िंदगी है मुफसरिन कहते हैं दारखिर का माना है जन्नत और वही दारुल दारयावान है यानी उसकी जिंदगी का घर है क्योंकि वहां मौत नहीं है इस वजह से हयावान का मतलब होता है जिंदगी आठवां नाम है फिरदौस अरबी में हयावान जो है ना उर्दू का हवान नहीं कुरान में इस नाम का जिक्र आता है सूरत अल सूरतमिन में आता है वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون यही लोग हैं जो वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं और अल्लाह ताला का फ़रमान है इन लजीना आमनुआ अमिलुसा लिहाती कानतल हम जन्नातलफ़िरदिन सूरत अल्कफ़ में आता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए फ़िरदौस के बाग़ मेहमानी होंगे यानी उनको वहाँ पर इज्जत बख्शी जाएगी मेहमानों की तरह फिरदौस का क्या माना है काब कहते हैं फिरदौस वो बाग होता है जिसमें अंगूर हो लैस कहते हैं फिरदौस अंगूरों की बेलों वाली जन्नत है करमुन मुफरदसुन, यानी अंगूरों की उन बेलों पर छतरियां बनाई गई हैं ये भी दहाक कहते हैं दरख्तों से लिपटा हुआ बाग है दरख्तों यानी ऐसा बाग जिसमें बहुत दरख्त हो फिर एक और माना ये किया गया है कि ये ऐसा बाग है जिसमें वो तमाम अकसाम के दरख्त मौजूद होते हैं जो बागात में पाए जाते हैं एक कौल यह भी है कि ये अरबी लगत नहीं है यानी ये रूमी जबान का लफ्स है और इसी से पैराडाइज यानी फिर दौस और पैराडाइस और परिस और अरबी जबान में इसका माना बाग है नौमी, माना यानी नाम जन्नत का जन्नातुल्नईम है सूरत में फरमाते हैं व आ सालिहाति लहुम लिहात जन्नातुल्नईम बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनके लिए नेमत के बागात हैं और ये एक ऐसा जाम नाम है जन्नतम जिसमें तमाम जन्नतें जमा हो जाती हैं क्योंकि हर जन्नत में नेमते हैं दायमी नेमते नंबर टेन अमीन, ये दसवा नाम है कुरान मजीद में आता है इनमुतकी नफी मक़ाम अमीन बेशक मुतकी लोग अमन वाली जगह पर होंगे मकाम इकामत की जगह को कहते हैं और अमीन का मतलब है अमन वाली यानी जिसमें कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो हर नापसंदीदा चीज़ से अमन ग्यारहवा नाम है मकाद अद जो सूरत कमर में आता है इन नलमुती नफ़ी जन्नात नहर फी मक आदि सदक़िन इन दली के मुकतदर बेशक बचकर चलने वाले बागों और नहरों में होंगे फिर मुतकी लोगों की बात है सिद की मजलिस में अजीम बादशाह के पास जो बेहद कुदरत वाला है तो अल्लाह ताला ने जन्नत का एक नाम मका को भी रखा है ताकि वो चीज हासिल हो जाए जिससे मुराद अच्छी बैठने की जगह होती है जब दोस्ती और मोहब्बत मजबूत हो तो कहा जाता है मबदत सच्ची दोस्ती तो सिद्ध का जो है सच्चाई के मानों में भी आता है और इंसान की खूबसूरत हालत का मुकम्मल होना और तंदुरुस्ती के लिए भी आता है अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है यानी इसमें गुफ्तु में सच बोलना अमल में सच्चाई का मुजाहरा करना क्योंकि सिद्दीक जो होता है वो सिर्फ जबान का सच्चा नहीं होता अमल भी करके दिखाता है और बारवा नाम है कदम उदकिन आमन कदम सिद्कन सूरत यूरो में आता है और जो लोग ईमान लाए उन्हें बशारत दे के यकीन उनके लिए उनके रब के हां सच्चा मरतबा है अच्छा दुनिया के मरतबे और मकाम बाज आप किसी को उसके मकाम से बढ़ा रहे होते हैं जो कि उसको डिजर्व नहीं करता और बाज़ोकत किसी को उसके मक़ाम से घटा रहे होते हैं जो कि उसके साथ ज़्यादी होती लेकिन क़्यामत के दिन इंसान को जो मकाम मिलेगा जन्नत में वो वाकई वही होगा जो उसको वो डिज़र्व करता होगा और उसमें किसी किस्म की उससे हक तलफी नहीं होगी और ना ही उसमें कोई बनावट होगी दुनिया में बाज़ोक लोग खुशामद के साथ दूसरों को बहुत चढ़ा देते हैं हालाँकि वो उसके अहल और काबिल होते ही नहीं हैं लेकिन वहाँ ऐसा कोई धोखा फरेब नहीं होगा वहाँ जो जिस मकाम को डिज़र्व करता है उसको वो मकाम अता किया जाएगा आमनु अमनु अनहुम कदम इन इंदरबिहम और जो लोग ईमान मान लाए उन्हें बशारत दे दीजिए कि यकीनन उनके लिए उनके रब के यहाँ सच्चा मर्तबा है आप अगर कुछ कहना चाहें रम्ल व इतफाक़ से दो तीन शादियाँ ज़िंदगी में मैंने ऐसी देखी कि वहाँ हर चीज़ थी अल्लाह की मतलब जैसे दुनिया की नमतें कह ली न तो बड़ा घर हर चीज़ गाड़ियाँ भी हर चीज़ लेकिन अंदर सुकून नहीं था तो जो ये बात की जा रही है कि नीमते तो हैं अल्लाह ताला नीमते अपनी बताता है कई दफ़ा नीमते नज़र भी आ रही होती हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पे उस जो लड़कियाँ वहाँ आई गईं उनको ताने देने मुख्तलफ़नैरियोज़ की बात हूँ या उनको वो जो जो थीं वो उनके लिए बेकार थी वो उनको दी नहीं जाती थीं या उनको वो यूज़ करने के लिए जा सकती थी तो उन चीज़ों से भी ऐसे लगता है कि दुनिया के जितनी मर्जी दौलत और इतनी दौलत कि आप सोच नहीं सकते और अभी भी आप बड़े बड़े लोगों को देख लें जितने हैं उनके पास जितना पैसा है उनकी उतनी मुश्किल पड़ी हुई है कि इसको कहाँ खर्च करना है और कितना ख़र्च करना है और कैसे खर्च करना है बाहर नहीं निकाल सकते सामने नहीं रख सकते तो जन्नत की तो बात ही फिर और ही है माशा को सदा जी सिर्फ़ ये चीज़ें सोच कर और इमेजिन करके और सुनकर इतनी ठंडक और इतना इतमान महसूस हो रहा है कि जैसे एक किसी ने कुछ चीज़ ऐसी आपको पिलाई पिला दी हो जिससे आपको ठंडक महसूस हो ऐसा फील हो रहा है तो वहाँ जा कर कैसा होगा वजह तो ये होता है कि अभी अगर इंसान ऐसी बातें सुनता है तो उसका इफ़ेक्ट आता है इंसान के ऊपर अच्छी बातों का खूबसूरत जगहों का और जहाँ पर ये सब पोल्यूटेड चीज़ें नहीं होंगी जिसमें लोगों को गिराया जा रहा है या उसे डिजर्विंग मार्क नहीं मिल रहा है या फिर उसे धुदका जा रहा है या फिर गर्मी है या बीमारी है इस सारी चीज़ों से इंसान साफ होएगा तो कैसा होगा मतलब अनबिलीवेबल और फिर आप सारे जब दुआ करते थे कि रबना आते ना फिर दुनिया हसनतों वफिल हसनत हसनतों वकीना अजहा यानी दुनिया भी अल्लाह मेरी जन्नत एहसन बना दे और आख़रत भी एहसन कर दे इनशा अमीन उस्ताद जी मुझे तो दो तीन चीज़ें दुनिया से कंपेयर करने वाली लग रही थी एक तो ये आजकल के हालात देख के मुझे लग रहा था कि जितनी मर्जी जिसके पास एक्सट्रीम पे नेमतें हैं जिसके पास नहीं है हर बंदा इस खौफ में है इस फ़ियर में है कि ये ना हो जाए और दूसरे में आ, वो खाने पीने की नियमतों की आपने आ, जैसे बात की ना कि कभी बीमारी की वजह से आप नहीं खा सकते तो आजकल तो डाइटिंग की वजह से नहीं खा सकते हर बंदा जो है वो इस फोबिया में मुबला है कि वज़न ना वजन बढ़ जाए और जाये। ये तो हो जाए तो सुबहान अल्लाह दुनिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं हो सकता जो भी आपके पास हो अल्लाह फिर है जन्नत का हुसन अब्दुल्ल अब अमर से मरवी है वो कहते हैं मैंने रसुल्लम को फरमाते हुए सुना अल्लाह जब वजल्ला क़्यामत वाले दिन जन्नत को बुलाएगा वो अपनी जीनत और सजावट और नुमाइश और आराइश के साथ आएगी खूब सजी बनी फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में कताल किया और उनसे कताल किया गया उन्हें मेरे रास्ते में तकालीफ़ दी गई और उन्होंने मेरे रास्ते में जिहाद किया मेरे बंदो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ यानी जिनको अल्लाह के रास्ते में सताया गया सबसे पहले अल्लाह सुबहान उनको ऑनर बख्शेंगे बस वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे दुनिया में इंसान को आफ़ियत मांगनी चाहिए लेकिन अगर इंसान पर कोई भी तकलीफ़ आ जाती है क्योंकि एक नफ्स से भी तो जिहाद होता है ना इंसान अपने आप से स्ट्रगल कर रहा होता है अपने तजकिए के लिए फमंद होता है तो दुनिया में इंसान अगर किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार है चाहे वो अंदर की अपने अंदर की है या बाहर की उस पर परेशान नहीं होना चाहिए उस पर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया में जो भी कोई इम्तहान आया वो मेरे गुनाहों का कफ़ारा होगा और मेरी आखरत को बेहतर बनाने के लिए होगा ऐसे लोगों की जिनसे किताल किया गया और जो जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में किताल किया अपनी जाने दी या कोई घर बार लुटाए या कुछ भी वक्ती तौर पर तो उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ लेकिन उसका बदला कितना बड़ा है जन्नत न किसी आंख ने देखी न किसी कान ने उसके बारे में सुना सूरत सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं

उस अमल की जज़ा के लिए जो वो किया करते थे तो क्या वो शख्स जो मोमिन हो वो उसकी तरह है जो नाफ़रमान हो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए रहने के बाग़ात हैं उनके रह, उनके लिए रहने के बागात हैं मेहमानी है उसके बदले में जो वो किया करते थे नुजुलम बिमाकानू या तो जन्नत की कीमत अमल है अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने भी फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा है न किसी कान ने सुना है ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल गुजरा है ये अल्लाह ने जखीरा किया हुआ और क्या शान है उनकी जिनकी अल्लाह ने तुम्हें इतला दे रखी है सुबहान दुनिया में क्या होता है कि जब कोई एक शख्स कोई बहुत अच्छी चीज़ बना लेता है ना तो दूसरे उसका आइडिया चुरा के वैसे ही कॉपी कर लेते हैं नकल कर लेते हैं और कुछ ना कुछ मिलता जुलता बना लेते हैं अब देखा होगा अक्सर शादियों पर जब लोग जाते हैं तो आ, स्टेज सेटिंग की तस्वीरें उतार रहे होते हैं मुख्तलफ़ आइडियाज़ को देख देख के फ़ोटो बना रहे होते हैं ज्वेलरी की कपड़ों की तजसस होता है उन्हें पूछते हैं कहाँ से बनवाया कौन है डिज़ाइनर कौन सा ब्रांड है वगैरह वगैरह यानी इन चीज़ों की तरफ तोजो ताकि वो भी अपने लिए वो नमत ऐसी हासिल कर लें लेकिन जन्नत के बारे में तो कोई आइडिया दुनिया में कर ही नहीं सकता कि वो कहे मैंने दुनिया में जन्नत बना ली दुनिया में जन्नत नहीं बन सकती ना उस जैसी कोई चीज़ बन सकती ना फलों में न खानों में न पहन पहनावे में न घरों में न सजावट न लैंडस्केप कुछ भी नहीं कुछ भी ऐसा नहीं किसी को आइडिया ही नहीं है इतना हुसन है वहाँ बाज़ लोग जन्नत में मशरूबात और उनके बर्तनों वगैरह का कुछ कुछ पढ़ते हैं ना तो दुनिया में भी वैसे ही चीज़ें बना के कुछ अपने दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं यानी कॉपी करते हैं उसकी लेकिन हकीकत यह है कि उस जैसी कोई चीज नहीं फरिश्तों फरिश्ते थे वो जन्नत के हुसन जमाल से मरूब हो गए रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत की दीवार का सोने और चांदी की ईंट से अहाता किया मैंने उसकी बाउंड्री वॉल जो थी सोने और चांदी की ईंट से क्या खूबसूरती होगी फिर उसमें नहरें खोदी उसके दरख्तों को काश्त किया बस जब फरिश्तों ने उसके हसन व जमाल की तरफ़ देखा तो कहा ए जन्नत तू तो कितनी खुश नसीब है तू बादशाहों की मंजिल है यानी जो तेरे अंदर आएंगे वो सब सभी के सब बादशाह होंगे यानी दुनिया के बादशाह नहीं मुराद इससे मुराद यानी गरीब से गरीब इंसान भी वहाँ बादशाहों जैसी ज़िंदगी बसर करेगा सूरत इंसान में फ़रमाया

और उसका गारा यानी सीमेंट जो बीच का होता है वो कस्तूरी का था खुशबूदार अल्लाह ताला ने उसे कहा कलाम कर यानी जन्नत तुम बोलो उसने कहा कद अफलाहल मोमिन अल्लादीन फ़ी सलाम खाश आगे भी मोमिन फलाह गए वो मोमिनों का ठिकाना है जिनके ये ट्रेड्स हैं जन्नत में मोतियों के गुम्बद होंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल ने वाक़ में राज का जिक्र करते हुए फरमाया फिर जबरीलम मुझे लेकर सिदरतलमनतहा तक पहुँचे उसे कई रंग ढांप रहे थे मैं नहीं जानता वो क्या थे फिर मुझे जन्नत में ले गए यानी दुनिया में उस जैसी कोई चीज़ नहीं तो आप किससे मिसाल दे के कहते इस तरह के थे या उस तरह के थे मैं नहीं जानता वो क्या थे फिर मुझे जन्नत में ले गए वहां क्या देखता हूँ उसके गुम्बद तो मोतियों के हैं और उसकी मट्टी कस्तूरी की है इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि जन्नत की मट्टी मैदे की तरह सफेद है यानी सफेद मट्टी है वहां की साध में नबी वकास कहते हैं अगर नाखून से कम मकदार के बराबर भी जन्नत की कोई चीज जाहिर हो जाए तो वो आसमान और जमीन के किनारों को चमका दे हुं? नाखून से भी कम मकदार की कोई चीज दुनिया में अगर दिखा दी जाए तो आसमान के किनारे चमक उठे और जन्नत का कोई आदमी झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाए तो वो सूरज की रोशनी को ऐसे मिटा देंगे जैसे सूरज सूरज सितारों की रोशनी को मिटा देता है अब हुरारा कहते हैं हम अर्ज के अल्लाह के रसूल जन्नत किस चीज़ से बनी है आपने फरमाया एक ईंट चांदी की एक ईंट सोने की उसका सीमेंट खालिस कस्तूरी है उसके संगरेज़े मोती और याकूत के हैं उसकी मट्टी ज़ाफरान है जो उसमें दाखिल होगा वो नेमतों में रहेगा कभी तकलीफ़ नहीं पाएगा और वो उसमें हमेशा रहेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी उनके कपड़े पुराने नहीं होंगे उनकी जवानी कभी फना नहीं होगी एक कोड़ा रखने की जगह ज़मीन व आसमान से बेहतर है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में से किसी एक के किसी एक के कोड़े की जगह आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है उससे बेहतर है आसमान और ज़मीन के दरमियान पूरी दुनिया से बेहतर है कोड़ा कितना होता है इतना एक गज़ भर या उससे थोड़ा ज़्यादा कम जन्नत का एक चक्कर दुनिया के सारे गम भुला देगा सही मुस्लिम में आता है अनसबिन मालिक से रिवायत है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत में से उस आदमी को पेश किया जाएगा जिसे दुनिया में लोगों से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई होंगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी शख्स होगा उसको लाया जाएगा फिर उसे जन्नत में सिर्फ एक दफ़ा गोता दे के पूछा जाएगा ऐ अबिन आदम क्या तूने कभी कोई तकलीफ़ भी देखी क्या तुम पे कोई सख्ती भी गुजरी वो कह गया मेरे रब अल्लाह की कसम कभी कोई तकलीफ मेरे पास से गुजरी नहीं और ना ही मैंने कभी कोई शिद्दत और सख्ती देखी यानी उस खुशी वो ख़ुशी उसको सारे दुनिया के गम और दुख और तकलीफ और परेशानियां भुला देगी आपने देखा कि जिस दिन हमारी तबीयत अच्छी हो सेहत अच्छी हो हर चीज़ अच्छी हो तो ऐसे लगता है कि जिस दुनिया में कोई मसला ही नहीं ले, तो लेकिन हम अपने ही मसलों को भूल चुके होते हैं उस वक्त तो जन्नत में जाकर इंसान दुनिया के गमों को याद कर कर करके नहीं रोएगा दुनिया में तो क्या होता है कि अगर इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे फिर उसके बाद कोई हमदर्दी कर बैठे तो फिर क्या होता है फिर भी हम रोते हैं उस हमदर्दी पे भी रोते हैं और अगर कोई हमारे साथ और सख्ती करे तो उसमें भी हम रोते हैं कि किसी को मेरा एहसास नहीं किसी हाल में हम खुश नहीं होते लेकिन वहां किसी हाल में कोई तकलीफ है ही नहीं ना किसी की हमदर्दी की जरूरत है और ना ही किसी के गम बांटने की क्योंकि गम ही कोई नहीं वहां जन्नत के दा जन्नत में दाखिले के बारे में आता है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे हुजैफा बिन यमान कहते हैं कि नबी कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं ईसी अल्लाह का कलमा और रूह हैं और सलाम से अल्लाह ने कलाम किया अल्लाह के रसूल आपको क्या इनायत किया गया यानी उनके ये टाइटल्स हैं खलीलुल्लाह कल कलीमतल्ला और कलीमुल्लाह आपने फ़रमाया क़यामत के दिन आदम सलाम की सारी औलाद मेरे झंडे तले होगी और मैं वो हूँ जिसके लिए सबसे पहले जन्नत के दरवाज़े खोले जाएंगे अनसरज़ाल्न कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं इस पर फ़्र नहीं करता मुझे काबिल तारीफ झंडा दिया जाएगा लिवा हमद मैं उस पर भी फ़ख्र नहीं करता मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदारूँगा मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुँच कर उसका हल्का पकड़ूँगा तो वो कहेंगे नहीं जन्नत के दारोगा ये कौन है मैं कहूँगा मोहम्मद सल्ल्हल वस वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा नबी साथ आपकी उम्मत भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी आपने फरमाया हम आखिरी हैं फिर भी क़यामत के दिन पहले होंगे और हम ही पहले जन्नत में दाखिल होंगे यानी सबसे पहले उम्मत का सल्हलम का हिसाब चुकाया जाएगा वह पुल क्रॉस करेगी और सबसे पहले वह जन्नत में जाएगी अब्दुल्ल अब अमर अल्लास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्हम ने कराम से पूछा क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं आपने फ़रमाया जन्नत में सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में से वह फ़्रा और महाजरीन दाखिल होंगे जिनके आने पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे कि बस अब इनकी ज़रूरत नहीं उनके ज़रिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था यानी जहाँ कहीं कोई मसला होता था वो जाके उसको हल करते थे कोई जंगों में हिस्सा लेना वैसे भी और अपनी हाजतें अपने सीनों में लिए हुए मर जाते थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे इधर रिसोर्स के ना होने की वजह से और टाइम के ना होने की वजह से अल्लाह अपने फ़रिश्तों में से जिसे चाहेंगे हुक्म देंगे कि इनके पास जाओ और इन्हें सलाम करो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हम आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी मखलूक में मंतखब लोग और आप हमें इनको सलाम करने का हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला फरमाएंगे ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ मेरी इबादत किया करते थे मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे उन पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे उनके ज़रिए नापसंदीदा अमूर से बचा जाता था ये अपनी ज़रूरियात अपने सीनों में लिए लिए मर जाते थे लेकिन पूरा ना कर सकते थे चुनानचे फरिश्ते उनके पास आएंगे और हर दरवाजे से ये आवाज़ लगाएंगे सलाम बिमा सबर तुम फन उदार सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया सो अच्छा है उस घर का अंजाम فنعم عقب الدار हरारा कहते हैं रसुल्ला ने फरमाया पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी सूरत रात के चांद जैसी होगी वो ना वहां थूकेंगे ना बलगम निकालेंगे ना बोलो बराज करेंगे निकिसी की कोई भी गंदगी कोई भी सिक्रिश उनकी नहीं होंगी उनके बर्तन सोने के होंगे उनकी कंगियां सोने और चांदी की होंगी उनकी अंगीठियों में ऊं सुलगेगा उनका पसीना

दोजक़ से निकलने वाले आखिरी जन्नती को देख कर एक लंबी हदीस है कल ही इनशा करेंगे इसको क्योंकि टाइम पूरा हो गया यानी पहले तो जन्नत में अव्वल लोग कौन जाएंगे उनकी बात हुई फिर कि आखिरी कौन जाएगा तो उसका किस्सा जरा लंबा है तो इनशा कल बात करेंगे इस पर सुबहानल्ला हमदिका अशदअाल्ला अला अंत अस्त फिर व अतुबाईक आप कुछ कहना चाहें اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليها من قول او آمين. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى